शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपने पाठ्यपुस्तक व्याकरण संबोध का पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है भाषा बोली लिपि और व्याकरण। आज हम यह जानेंगे कि भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ भाषा और बोली में अंतर क्या है ये भी जानेंगे, लिपि किसी भी भाषा के लिए आवश्यक क्यों है ये भी जानेंगे। भाषा, जिस माध्यम से मनुष्य अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को समझता है उसे भाषा कहते हैं। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो भाषा एक ऐसा साधन है, एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने अंदर उठ रहे विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं। दूसरे लोग इसे सुनकर या पढ़कर समझते हैं। भाषा को हम दो प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, पहला बोलकर और दूसरा लिखकर। भाषा के रूप या प्रकार, भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा उसे कहते हैं जब हम बोलकर अपने भाव और विचार प्रकट करते हैं और दूसरे लोग उसे सुनकर समझते हैं, अर्थात बोलकर और सुनकर अपने विचारों के आदान प्रदान करने को ही मौखिक भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा, लिखित भाषा वह भाषा है जब कोई व्यक्ति लिखकर अपने भाव या विचार को प्रकट करता है और दूसरे लोग उसे पढ़कर समझ पाते हैं, अर्थात लिखकर और पढ़कर विचारों के आदान प्रदान को ही लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का उदाहरण है भाषण देना, फोन पर बात करना या रेडियो पर या टेलीविजन पर कुछ सुनना। वहीं दूसरी ओर लिखित भाषा का उदाहरण है पत्र लिखना, निबंध लिखना, संवाद लिखना आदि। बोली, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। सरल शब्द में कहूँ तो जिस भाषा का प्रयोग एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता है उसको ही बोली कहते हैं। इनका दायरा बहुत कम होता है और बोली का प्रयोग लिखित रूप में नहीं किया जाता है। भाषा और बोली में यही अंतर है कि भाषा का लिखित रूप है और बोली का सिर्फ मौखिक, अर्थात सिर्फ बोलते हैं। भाषा बहुत व्याप्त है, अर्थात उनका दायरा बहुत बड़ा है, जबकि बोली का सीमित है, बहुत कम है, छोटा है। बोली का उदाहरण ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी आदि, यह सब बोली के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनका लिखित रूप नहीं है। लिपि, मौखिक ध्वनियों को जिन निश्चित चिन्हों के माध्यम से एक विशेष व्यवस्था में प्रस्तुत किया जाता है उसे लिपि कहते हैं, अर्थात जो बात हम मुख से बोलते हैं उनको लिखित रूप देने के लिए कुछ विशेष चिन्हों की आवश्यकता होती है। जो हम भाषा लिखते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे असमीज हो या कोई और भाषा, इन भाषाओं को लिखने के लिए हम विशेष प्रकार के चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, लकीरों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको लिपि कहा जाता है। साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो किसी भी भाषा के लिखने की विधि को ही लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, इस बात को याद रखना। व्याकरण, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा का शुद्ध ज्ञान एवं उसका शुद्ध रूप से प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण किसी भी भाषा का शुद्धतम रूप प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।
साधारण शब्दों में अगर कहे कि भाषा को शुद्ध रूप से बोलना पढ़ना और लिखना सिखाना ही व्याकरण है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। जो कुछ भी मैंने यहाँ पर वर्णन किया है उनका मैं लिखित रूप प्रस्तुत करके दे दूँगा, पढ़कर समझने का प्रयास करना। जिस किसी को भी असुविधा होगी या परेशानी होगी तो मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।